बिस्मिल्लाह अखबार रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका शेफ मुजम्मिल हर दिन की तरह आज भी एक मुनफरद रेसिपी के साथ। आज अपने किचन में बना रहे हैं एक ज़बरदस्त और मुनफरद किस्म की रेसिपी। फ़िश ऐसी बनाऊंगा कि आप लोग जो दिल के मरीज़ हैं और जो लोगों को डॉक्टर मना कर देते हैं कि उन्होंने फ्राई फ़िश नहीं खानी, बारबेक्यू फ़िश नहीं खानी, उनके लिए आज एक डिफरेंट अंदाज में एक फ़िश लेके आ रहा हूँ कि जो जब आप घर में बनाएंगे बगैर नमक मिर्च के बिल्कुल लाइट से फ्लेवर के साथ आप फ़िश खाएंगे जब, तो इंशाल्लाह उन लोगों को मज़ा आएगा। और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है कि जो कि आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो ये जब रेसिपी ट्राई करेंगे तो वो लोग जो फ़िश नहीं खाते, जिनको डॉक्टर ने मना की हुई है फ़िश, तो वो इंशाल्लाह जब ये फ़िश खाएंगे तो इंशाल्लाह उन लोगों को मज़ा आएगा। वो कहेंगे यार वाह क्या कमाल की रेसिपी है। फ़िश का मैंने सेटअप लगा लिया है। इसके लिए मैंने 300 ग्राम फ़िश ली है। इसके साथ मैंने जो फ्रेश हर्ब और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो मैंने रखी हैं और साथ में मसाला जात रखे हैं। तो चले चलते हैं इसको बनाने की तरफ, मैरिनेट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैंने हीट प्रूफ शॉपर लिया है, जिसे हम कहते हैं पॉलीथीन बैग जो है मैंने वो लिया है हीट प्रूफ। इसको हम जो है वो यूज़ करें आज की रेसिपी के लिए। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, आप सॉल्ट भी यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हल्की सी जो है ब्लैक पेपर 1 पिंच क्रश की हुई उसमें यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से वाइट पेपर भी जो है वो 1 पिंच इसमें यूज़ कर रहा हूँ। मिंट इसके अंदर वो यूज़ कर रहा हूँ। 1 टेबल स्पून लेमन जूस इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ज़्यादा चीज़ें मैंने इसके अंदर नहीं डाली, नमक, वाइट पेपर, सॉल्ट और गार्लिक के साथ इसका मैंने फ्लेवर निकाला है और मैरिनेट हमने इसको कर दिया। अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेशन के अंदर रहने दें, लेकिन ये फ़िश ऐसी है कि आप इसको फौरन भी बना सकते हैं। ये मैंने एक अच्छी पैकिंग में शॉपर लिया है। अब इसके अंदर जो है फ़िश को मैं डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरेट 15 से 20 ग्राम कैरेट इसके अंदर डालूंगा। फ्रेश बीन्स जो है 25 से 30 ग्राम फ्रेश बीन्स जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। ब्रोकली इसके अंदर जो है वो 20 से 25 ग्राम वो इसके अंदर ऐड की है। ब्लैक ऑलिव्स वो 15 से 20 ग्राम इसके अंदर ऐड की हैं। मशरूम्स इसके अंदर जो हैं वो 15 से 20 ग्राम वो मैंने ऐड की हैं। और इसको अच्छे से रैप कर लिया। इसके बाद मैंने इसको अपना जो किचन फोक है इसके साथ मैंने इसको रख लिया। अब इसको लेके जाता हूं मैं। पानी को आपने गर्म कर लेना है, वो आपका पानी बॉयल हो रहा हो इसके अंदर मैं इसको रखूँगा। अब इसको 15 मिनट हमने इसके अंदर रखना है और हमारी फ़िश रेडी हो जाएगी। वेजिटेबल भी बॉयल हो जाएगी इसके अंदर ही और जो फ़िश है वो भी हमारी इसके अंदर रेडी हो जाएगी। 15 मिनट हमारी फ़िश को हो चुके हुए हैं पहुँच होते हुए। अब हम इसको निकालते हैं और इसको कहते हैं प्लेटिंग और साथ में बनाते हैं इसकी सॉस। अब इसका जो सिरप है इसकी बनाएंगे हम सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रेश पुदीना, हल्की सी वाइट पेपर, हल्का सा सॉल्ट, थोड़ा सा इसको पकाते हैं अब और साथ डालते हैं इसके अंदर फ्रेश हर्ब्स, पार्सले और ओरिगैनो। ये फिश का अपना पानी है, कोई भी हमने कुछ इसके अंदर ऐड नहीं किया। उसको हल्का सा आपने पकाना है और सॉस रेडी हो जाएगी आपकी। सॉस आपकी तैयार है। अब हम इसको ऊपर डालने के लिए फ़िश के लेके चलते हैं। अब हम डालेंगे सॉस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं फिश को टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की पॉश फिश रेडी हुई है। तो हमारी रेसिपी को घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। जो लोग जिनको डॉक्टर्स ने फ्राई फिश और ग्रिल फिश बना की हुई है वो ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह उन लोगों को मज़ा आएगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्दियों की ये रेसिपी है। मेरी रेसिपी को घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।